और कोई मंत्र नहीं था, या हठ योग करते थे। उनसे ये क्या बना, केवल 83 लाख बार तो यो देवता होया, और बाकी 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, और तेरा गजब हो। तो ये इसलिए था कि इन साधनाओं से, उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा ना करने से, जैसे कर्म किए हैं वो दोनों भोगने ही पड़ते हैं। नरक में भी गए, स्वर्ग में भी गए, महास्वर्ग में भी गए, और फिर उसके बाद फिर ये महावीर जैन हुए। महावीर जैन ने फिर 363 पाखंड मत, यानी वेदों से हटकर अपने मनमुखी बकवाद की साधना शुरू कर दी। अब महावीर जैन द्वारा बताए चलाए गए पाखंड मत से मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरें घूमना, बाल पाट देना है, नंगे रहना, कति नहीं बसता, ये पाखंड मत हैं। तो इनसे तो कति सीधा ही नरक या पशु योनियों को ही प्राप्त होंगी, स्वर्ग भी नहीं प्राप्त हो सकता, देवता भी नहीं बन सकते इन साधनों से, क्योंकि वो उस आत्मा ने मारीची वाले जो शरीर में ऋषभ देव जी से सीधी दीक्षा प्राप्त की थी, उसके बाद उसने ओम नाम के जाप से साधनाएं की, उसके कारण वो इतना देवता बना, फिर स्वर्ग गया, फिर मनुष्य बना, पृथ्वी पर राजा बना, और फिर नरक गया। और महावीर जैन के बाद तो महावीर जैन की दुर्गति और ज़्यादा हुई है, और उसने तो अन्य आने वाले अनुयायियों को भी शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी पाखंड मत पर आरूढ़ कर दिया। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न तो कोई सुख हो, ना उनकी कोई गति हो, ना कोई सिद्धि प्राप्त हो, अर्थात यूजलेस। तो पुण्यात्मा परमात्मा ने के बताया था, कोटि जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे, कुत्ता गदा सुअर बुगले, हैं ये पशु पक्षियों की योनियां तुम बहुत बार भुगती। इंद्र कुबेर ईस की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्म राया, विष्णुनाथ के पुर को जाके फिर भी उल्टा आया, कोटि जन्म तू राजा की, न्या मिटी न मन की आशा। होय होय, अभी महावीर जैन जी कितनी बार, इनकी आत्मा कितनी बार राजा भी बनी, स्वर्ग में भी गए, देवता भी बने, फिर भी इच्छाएं समाप्त नहीं हुई। तो क्या बताते हैं, सतगुर मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समान, चल हंसा उस लोक पुठाऊं जो आदि अमर अस्थान। वहां क्या होगा, चार मुक्ति जा चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। सत्सा परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव जी ने, कबीर साहेब जी ने अपने यथार्थ ज्ञान को, अपने यथार्थ ठिकाने को स्वयं ही आकर के ज्ञान कराया है, अपनी प्यारी आत्माओं को बताया है। आज सुबह के सत्संग में आप जी ने सुना, परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्माओं को, जो अच्छी आत्माएं थी उनको आकर के दर्शन दिए, उनको सतलोक सचखंड उस अमर लोक में लेकर गए जहां गए हुए प्राणी सदा सुखी रहते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। उनमें से बहुत से पुण्यात्माओं ने जो परमात्मा से परिचित हुए, प्रभु की महिमा का आंखों देखा वर्णन अपनी अमृतवाणी में किया, वो अमृतवाणी उन महापुरुषों की आज हमारे लिए एक एफिडेविट बन गया, हमारे लिए प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया कि इन महापुरुषों को परमात्मा मिले थे।
जिनको परमात्मा मिले थे उनकी साधनाएं क्या थी वो भी उनकी वाणी में लिखा हुआ कि उन्होंने कौन कौन सी साधनाएं की। आज जो हम साधना कर रहे हैं ये वो साधना है जो उन महापुरुषों ने की थी जिनको परमात्मा मिले थे, जिन्होंने पूर्ण मोक्ष प्राप्त किया था, जन्म मृत्यु जिनकी समाप्त हुई है। इस बात से हमें और खुशी होती है, ये दृढ़ता मिलती है हमारी भक्ति मार्ग में कि जो साधनाएं हम कर रहे हैं यही उन महापुरुषों ने की थी जिन्होंने परमात्मा पाया और जन्म मृत्यु के रोग को समाप्त करवाया। परमात्मा की भक्ति बहुत आसान है, इसमें अधिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं थी, केवल इतना ही काफी था कि मनुष्य जीवन मिला है परमात्मा की भक्ति के लिए ही मिला है। यदि हमें ये यथार्थ ज्ञान पहले से ही होता तो हम अधिक सत्संग की बजाय भजन ही करते, भक्ति करते। अब सत्संग इसलिए आवश्यक हो गया क्योंकि हम अज्ञान से ओतप्रोत हो चुके थे और उस अज्ञान का इतना गहरा असर हमारे ऊपर हो चुका है कि इसमें सत्संग हमें आखिरी श्वास तक आवश्यक रहेगा, इसकी आवश्यकता रहेगी। क्योंकि अज्ञानी संतों की कोई कमी नहीं, फिर उनके द्वारा भ्रमित जनता की कमी नहीं, वो वही ज्ञान बोलते हैं जो शास्त्र के विरुद्ध होता है। आप जी यहाँ सत्संग सुनकर जाते हो, आप जी तो दृढ़ हो जाते हो कि हम बिल्कुल सही साधना कर रहे हैं क्योंकि हमारे गुरुदेव ने सारे प्रमाण हमारे सामने रख दिए हैं। फिर भी वो चतुर प्राणी ऐसे होते हैं जो भक्तिहीन हैं, ज्ञानहीन हैं, वो कोई ना कोई तगड़मबाजी आपके सामने अड़ाए ही रखते हैं और उनसे डिस्कस करना आपका एक स्वभाव बन जाता है। डिस्कस इसलिए करते हो कि परमात्मा जैसे हम रास्ता भूल चुके थे, यथार्थ ज्ञान हमें नहीं था, आज ये हमारे भाई बहन रिश्तेदार या मित्र या वैसे कोई आ जाता है, कोई संपर्क में व्यक्ति बहन भाई, तो आप सोचते हो कि इनको भी ज्ञान करा दें, लेकिन वो इतने चतुर होते हैं कि आप जी को वो कोई ना कोई ज्ञान की अटकल ऐसी उल्टी सुलटी ला करके भ्रमित कर लेते हैं और आप उनका उत्तर नहीं दे पाते हो, तो जिस कारण से आपको भी शंका बन जाती है कि इसने कुछ बोला है वो कुछ ठीक सा ही लग रहा है, तो उसके लिए फिर आप भी भ्रमित हो जाओगे। तो आपको फिर यहाँ सत्संग सुनना अति आवश्यक है ताकि आप फिर दोबारा उनसे प्रश्न उत्तर होवे तो उनका जवाब देने योग्य हो जाते हो। क्योंकि इन सत्संगों में जो दास सत्संग करता है इसमें सभी प्रश्नों के उत्तर आपको धीरे धीरे मिल जाते हैं, इसलिए आप जी को सत्संग की आवश्यकता बहुत है। दूसरे तरीके ये समझिए कि जैसे हम प्रतिदिन वस्त्र पहनते हैं वो कितना ही हम बिल्कुल चाहे किसी अच्छे ऑफिस में भी काम करते हैं तो भी कपड़ा मैला हो ही जाता है, तो उसके भी प्रतिदिन धोना ही पड़ता है। तो ऐसे ही सत्संग हमारे अंतःकरण को साफ करता है, फिर उसमें चमक आती है, रुचि बढ़ती है। सत्संग सुनने से प्रेम जागृत होता है, परमात्मा के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। किसी वस्तु के गुणों से हम परिचित होते हैं, उसके पाने की चाह हमारे अंदर प्रबल होती है, इसलिए सत्संग में आना अति आवश्यक होता है। परमात्मा बताते हैं सत्संग की आदि घड़ी और वर्ष हजार तो भी बराबर है नहीं कहें कबीर विचार। सत्संग के अंदर परमात्मा
की महिमा से परिचित कराया जाता है और इस प्राणी को जगाया जाता है जो मोह ममता की निद्रा में अज्ञान अंधेरे में ये सो रहा है। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि प्रभु की भक्ति करने से जीव मोक्ष हो जाएगा, इसका जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। जैसे आज आपने सुबह सुना कि कोटि जन्म तो भ्रमत हो गए कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे। और फिर साथ में ये भी सुना आपने ये भी देखा कि सत्साधना ना करने से किस प्रकार महापुरुषों की दुर्गति हुई, जैसा कि महावीर जैन जी का इतिहास आपको आपके रूबरू कराया। तो ऐसे हम इन महापुरुषों की जीवनी देख करके और परमात्मा की सद्भक्ति से तुलना करके हम अपने मार्ग पर दृढ़ हो जाएंगे। इस काल भगवान ने ऐसी समस्या पैदा कर रखी है, अब कलयुग में विशेष कर इसने सैकड़ों प्रकार की तो भाषाएं बना दी। 200-400 किलोमीटर के बाद भाषा चेंज हो जाती है और फिर इस परमात्मा के ज्ञान को समझाना अति कठिन हो जाता है, क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत बड़ी बाधा है। पहले सतयुग त्रेता द्वापर तक सभी एक ही लैंग्वेज यूज करते थे, संस्कृत बोला करते थे और एक ही प्रकार की सबकी भाषा होती थी। अब कलयुग में काल ने पता था, परमात्मा से इनकी वार्ता हुई थी, तो कलयुग में काल ने स्वयं ही कह दिया था कि हे भगवान, कलयुग के अंदर आप परमेश्वर से कहा था कि जितने मर्जी अपने जीव आत्मा निकाल लेना, लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर में कम जीव सतलोक ले जाना। जब परमेश्वर ने स्वीकृति दे दी तो काल ने कहा था कि बेशक कलयुग में आप ट्राई कर लेना सतलोक ले जाने की, इन मानव शरीरधारी प्राणियों को इतना कंडम कर दूंगा ये भक्ति योग्य रहेंगे नहीं, मांस शराब अमल तमाखू ये सभी आहार करने लग जाएंगे, अलग अलग मजहब धर्म बना दिए जाएंगे। उसने पहले तैयारी कर रखी थी और कबीर नाम से भी सतलोक के नाम से भी बहुत से पंथ चला दूंगा। काल ने कहा था कि कोई भी ये समझ नहीं सकेगा असली कौन है नकली कौन है। तो परमात्मा ने कहा था कि भी ये काम मेरा है, देखेंगे वो भी समय बताएगा तेरी ये अटकलबाजी कितना काम देगी। तो इसमें ये सत्संग में लैंग्वेज प्रॉब्लम भी बहुत आ जाती है, लेकिन परमात्मा की कृपा है क्योंकि भारतवर्ष के अंदर हिंदी भाषी लोगों की कमी नहीं, हिंदी बोलते नहीं है तो समझते काफ़ी हैं, बहुत समझ लेते हैं। फिर भी पूरे विश्व में परमात्मा की आत्मा है तो उनको भी साथ लेना हमारा फर्ज बनता है। धीरे धीरे परमात्मा कृपा बख्शेंगे, कोई ना कोई ऐसी तरीका निकालेंगे कि सभी प्यारी आत्माएं परमात्मा को पहचाने और उनके ज्ञान को ग्रहण कर सके। अब भगवान क्या बताते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डार। ये मानुष जन्म बहुत ही दुर्लभ है,
बार बार नहीं मिलता।